पर दृष्टि झूठी छोड़कर निज दृष्टि तू करे, निज में ही मग्न होए तो आनंद हो मां। पर दृष्टि झूठी छोड़कर निज दृष्टि तू करे, निज में ही मग्न होए तो आनंद हो मां। और यही जीव को इष्ट है कि आनंद हो। इस आनंद का उपाय, आनंद की विधि क्या है? पर दृष्टि झूठी छोड़कर। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे चल रहा है, कौन का प्राणमन कैसा हो रहा है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हाँ, हे भाई, पर दृष्टि से जो उपाय होंगे वो झूठे उपाय होंगे। दूसरे को सुधारने का भाव, दूसरे को अपने अनुकूल बनाने का भाव, ये मिथ्या है। पर दृष्टि झूठी छोड़कर। पर दृष्टि माने पर पदार्थ कैसा प्रणमन कर रहे हैं। तेरा आनंद प्रणमन, तेरा ज्ञान प्रणमन पर से निरपेक्ष है। पर में तुम्हारा कर्तव्य तो नहीं है। पर माने शरीर, पर माने तुम्हारे परिणाम, ये भी उसमें पर में लेना। अभी तो अपने परिणाम और पर के परिणाम की ख्याल नहीं है। हर जीव को दूसरे को सुधारने का भाव है, ये मोह की महिमा है। हाँ, दूसरे को सुधार ले। तुम दूसरे को नहीं सुधार पाओगे भैया, दूसरों के सुधारने के चक्कर में अपना बिगाड़ कर बैठोगे और कुछ नहीं करोगे। विचारों में परिवर्तन लाओ, कुछ सीखने समझने की कुछ गुंजाइश रखो। कैसे बिगाड़ा है, सब ठीक है। पंडित जी ने कैसे लिखा होगा, बांचता है तो बांच देता है, सुनता है तो सुन लेता है, कोई विकल्प नहीं। ये धारा अलग है और वो धारा अलग जीवन की चल रही है। अहम बनेगी, मैं करता हूं। पर द्रव्य के परिणमन के अनुसार अपना परिणमन पराधीन नहीं है कि पर द्रव्य का परिणमन बदले तब बदले। ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूं। क्या ये सब करने धरने वाले हम ही हैं? अगर हम ही होते तो ये चले गए, अब भी काम हो रहा है कि नहीं, तो हम भी चले आएंगे तो भी काम होगा। हट जाओ यहां से, चलो अपना काम देखो। विश्व में तुम्हारी नहीं चलेगी कर्तत्व, तुम्हारा कर्तत्व नहीं चलेगा। इसलिए दूसरों को मैं संबोधन करूं, दूसरों से मैं संबोधन पाऊं, उन्मत्त व चेष्टा। पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा, ये उन्मत्त व चेष्टा है। जब दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है, और एक दिन तो है नहीं, अनादिकाल से अनंत काल तक है, अब क्या करोगे? जब दो द्रव्य में अत्यंता भाव है तो तुम कैसे कर दोगे? कर्तृत्व बुद्धि तो बहुत बाद में छूटेगी, पहले तो ये तो लगे कर्तृत्व बुद्धि मिथ्या है। सही बात है,
अपने को सही लगने लगता है, बिना करें काम कौन हो जाए। क्यों नवीन श्रोता के स्वरूप में लिखा है कि चारित्र कैसे बन रहा है, ये काम सब कैसे चल रही है, क्या तुम इन कामों को कर रहे हो ये या ये तुम्हारे काम को कर रहे हैं। जीव जो अटका है अपने राग से अटका है, किसी के कारण नहीं अटका। दो भाई थे, एक भाई का विवाह हो गया, एक भाई का विवाह नहीं हुआ। पहले ऐसे बहुत होते, अब उस जिसका विवाह हुआ उसका छोटा बच्चा, भाई मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ और वो रोने लगा मचलने लगा, और वो पिताजी उसका जो था वो छोड़ करके चला आया, अब वो उसके पीछे लग गए। अब क्या करें, वो चलोगे मन तो नहीं है सुन नहीं है, पहले जा लड़का को देखा क्या, फिर पहले शास्त्र का भगे जा रहे हैं, भगवान का भगे जा रहे हैं, अब वो कथा कर रहा है। मैंने राग है उसको, ज्यादा राग है, हम कह रहे हैं बिना गृहस्थी के गृहस्थ हैं। गृहस्थ लोग अपने पुत्राधिक में लगे रहते हैं, ये शिष्याधिक में लगे रहते हैं, वे उनसे उनकी अपनी शोभा मान रहे हैं, वे उनसे अपनी शोभा मान रहे हैं। हमारे पांच से शिष्य हैं, ओ फूल की छाती, तुम्हारा एक भी शिष्य नहीं है। आत्मा का गुरु आत्मा ही है, आत्मा का शिष्य आत्मा ही है। जैसे तुम्हें बाहर में गुरु पढ़ाते हैं और वो टोंकते हैं, ऐसे अपने को जब तक टोंकना नहीं जानोगे तब तक काम नहीं बनेगा। आत्मा का गुरु आत्मा ही है, इसका अर्थ क्या बताया था आपको, अर्थ माने प्रयोजन। अज्ञानी का गुरु बनना नहीं और अज्ञानी को गुरु बनाना नहीं, बेहू तो ऐसा कर रही है। अब तुम अज्ञानी को देख करके तुम करना सीख जाओगे वैसा ही उल्टा। अज्ञानी को गुरु बनाना भी नहीं और अज्ञानी का गुरु बनना भी नहीं, गुरुत्व का त्याग कर दो भाई। गुरु संबंध से संबंध एक ही में है, गुरु से उभय वचन कर कहिए, वचनाती दशा तत्लिए, तो पर भेद का खेद छेदा आप में आपने विदा। आत्मा का गुरु आत्मा ही, इसका मतलब है अज्ञानी का गुरु मानने की कोशिश मत करो। औरों को तो रुचबान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश दे करके उनको भला किया है, क्या मतलब निष्प्रय होकर के उपदेश देने की, कोई मान रहा है नहीं मान रहा, उल्टी पकड़ रहा सीधी पकड़ रहा, हम क्या करें, हम कौन उसके गुरु हैं। आदमी कहे हमारे तुम्हारे गुरु ने यही सिखाओ, अरे आदमी कहेगा मूर्ख, विवेकी आदमी ये नहीं कहेगा, विवेकी तो ये कहेगा ये इसका दोष है, इसके गुरु का दोष थोड़ा ही है। कोई गुरु अपने शिष्य को अज्ञानी नहीं बनाता, उल्टा नहीं सिखाता। उल्टा सिखाया अपनी उल्टी मानता ही कारण, हम क्या करें, गुरु क्या करें। आखिर निमित्त निमित्त ही तो है, निमित्त कभी उपादान तो नहीं हो सकता। निमित्त निमित्त है, तुम्हारी जीवन में कोई गड़बड़ हो गए तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या मालूम, तुम छिपाते और रहोगे, उनको कहोगे ही नहीं, अब कहोगे ही नहीं निकलेगा, निकालने का कोई लक्ष्य ही नहीं है।
तुम्हें तो जितना है उसका अहम है, जितना नहीं है उसकी चिंता नहीं है। अरे भाई, जो हम नहीं जानते हैं वो सीखने की कोशिश करना चाहिए, जो जानते हैं वो तो हमारा है ही, उसमें क्या है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं, ये तुम्हें भ्रम हुआ है। क्यों? वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। ज्ञान आश्रमों से निवृत्त होता है, ज्ञान अंतर्मुख होता है, ज्ञान पर से निरपेक्ष होता है, ज्ञान से आनंद होता है। अब आप जबरन ज्ञान मान बन, ये सब बातें हैं ही नहीं और तुम कह रहे ज्ञान। वो बहुत अच्छा पड़ोसी है और वो सवेरे से लड़ता है, बताओ, ईर्ष्या करता है। तो पड़ोसी से ईर्ष्या करने वाला, लड़ने वाला अच्छा पड़ोसी कैसे हो सकता है? अब हमारी पूजा स्वाध्याय अलग चलती रहती है, माला अलग चलती रहती है और व्यवस्था अलग चलती रहती है ईर्ष्या द्वेष की। जैसे पुल बना दिया, नीचे पानी अलग बहता रहा, तो ऊपर सवारी अलग चलती रहती। एक पुल बन गया नदी पर, नीचे पानी अलग बह रहा है, वो अपना बहता रहता और वो अपनी चलती रहती ऊपर, कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर रेल चलती रहती, बीच में बसें चलती रहती, नीचे पानी बहता रहता। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। हमें प्रतिक्रमण करना है। अरे प्रतिक्रमण करना है तो करो प्रतिक्रमण। कैसे करोगे? कैसे करोगे प्रतिक्रमण? तुम्हें तो लगता ही नहीं, ये हमारा दोष है, उसको दूर करने के लिए उद्यम क्यों करो? उस समय दूसरे का दोष सिखाई देता है, कथा तीव्रता है। दो दिन बाद आलू क्यों नहीं खाने लगते? हम ये पूछते हैं, क्यों? वहां ये लगता है नहीं, आजीवन त्याग। तो कथायन का, इनका मोह का आजीवन त्याग क्यों नहीं कर रहे? ये दो दिन बाद कौन बदल देता है? ये है बदल देता तुम्हारी अनंतानवनी कथा है। भय नहीं होता संसार से, कर्म के बंधने का भय नहीं आता, इसलिए स्वरूप में सावधानी नहीं होती। अगर मैं अपने स्वरूप से बाहर जाऊंगा, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करूंगा, तो लोक में भी निंदे हो जाऊंगा। और मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। हमारी मर्यादा क्या है कि ज्ञान मात्र, बस खत्म मामला, जैसे कछुआ हो ही। और तुम्हें क्या अधिकार है कि नहीं है ये बताओ, तुम्हें अधिकार है कि नहीं? तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम्हें अधिकार है? अरे तुम्हें अधिकार है ये सोचने का, तुम्हें अधिकार क्या है? कौन है दे दिया तुम्हें? इनका कर्तव्य क्या है, इनका अधिकार क्या है, जानते हो तुम? कर्तव्य का पालन करता है वह सुख का अधिकारी होता है। इतने में अधिकार और कर्तव्य अंतर्गर्भ समझ लेना। हमारा काम अधिकार, कर्तव्य क्या है? जीवा जीवा नाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्य। कर्तव्य है वो। अब कर्तव्य के बदले में क्या मिलेगा तुम्हें? सुख के अधिकारी हो जाओगे। तो तत्व विचार कर्तव्य है, तत्व विचार का फल मोक्ष का अधिकारी, सम्यक सुख का अधिकारी। अब यहां से जोड़ करके चलोगे नहीं, यानी क्या करोगे?
अनाज काल के मोह के संस्कार हैं, वे ऊपर आ जाते हैं घर से और ये धारा चलती रहती रहती है। इसीलिए ये निश्चयाभास व्यवहाराभास उभयाभास खड़े हो जाते हैं। विषयों की वासना तुम्हें ले जाती है, इधर उधर भटकाती है। तुम कहां क्यों गए, मंत्र के चक्कर में क्यों पड़ गए, ठग के चक्कर में ठगाई क्यों गए, लोभ में पड़ गए। तुम्हारी कसाएं तुम्हें भटका रही हैं और तुम्हें लगता ही नहीं, तुम्हें ये लगता है हमारी बहुत मंद कथा है। क्यों, हम सभी कपड़ा पहन रहे हैं, हमने ब्याह नहीं करो, हम आश्रम में रहते हैं, हम घर में नहीं रहते। घर में रहने वालों की कथा ऐसी भूलती है। अरे रे प्रभु, कैसे सोचते हो, क्या करते हो, तुम्हारे सोचने का तरीका ये संयोग से देख रहे हो। विवाह परिणाम भी पर के कारण नहीं होते, स्वभाव परिणाम तो पर के कारण होंगे कैसे, विवाह परिणाम भी पर के कारण नहीं होते। ये साधना है, ये कोई गप नहीं है। रोज आज निरीक्षण करो अकेले में बैठ करके कि आज परिणति हमारी कितनी कहां कैसे गई और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं किया। लेकिन तुमने तो अपनी एक रूटीन भर तैयार कर लिया, आज पूजा नहीं हो पाई, आज माला फिर भूल गए, आज निर्देर हो गई, आज हमने जी खाया हो, आज आसक्ति हो गई, आज वो जी मर गया। अरे तुम्हारा बस इतने तक रह गए थी। खूब मंडू संकीर्ण विचारधारा, ये सब पता है। और बड़ी पंडिताई करी तो बस मैं क्या हूँ, ये नहीं मानना सबसे बड़ा दोष, बस खत्म होगा। सो हमने तो मान ही लो, तुम समझो ये बात को। मैंने ऐसा लगता है बड़ी विडम्बना क्यों हो रही है, नाना मत मतांतर क्यों है, मंडे मंडे भिन्नमती क्यों है। सोचने का तरीका हमारा अच्छा नहीं है। पहले तो सोचने समझने की बुद्धि एकदम कुंठित हो गई या फिर विपरीत, और लिखा है उसमें गलत तो है नहीं, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तीव्र कसाई उद्यम करेगा तो पाप का ही करेगा। मैंने पाप की सोचेंगे और पाप की बोलेंगे और पाप की करेंगे। उद्यम काय का है, मन वचन काय तीनों में कि ले अपने तीव्र कसाई उद्यम करेगा तो पाप का ही करेगा। ले बोले तो यही बोलेगे है, दिगंबर दीक्षा प्रदान करो जी थोड़ी बोले, वे बोले तो यही बोले, सबके सब यही बैठे हो, एक आध तो दुकान खोलो जाएगा। हमारे सामने ही दुकान बंद कर दी तुमने, वे सोच रहे जन का बोलेंगे, काय में अटक रहे का हो रहो। अब वे कह रहे सबके सब यही बैठे चारों बिचारों, एक आध तो दुकान खोलो जाए, वही भूले हिंग की चीज खुलेगी तो हिंग की मांक आएगी, उसमें कपूर की मांक नहीं आ सकती। धर्मात्मा के जीवन में से मिथ्यात की मांक कहां से आ जाएगी, मिथ्यादृष्टि के जीवन से सम्यक की सुगंध कहां से आएगी। समय की सुगंध माने निसंकेत निर्वंचित निर्विकित्सा अमूर्त दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण बात चल प्रभावना कहां से आया है। नशा में नाव खे रहे हो भैया, नाव खोली तो है नहीं, खूंटा से तो खोलते नशा चढ़ गया, चलो ने घूमे। अब नाव आलो नहीं है तो अपन ही नाव खेल, चलो बस नाव खेलना चालू कर दिया और सवेरे वहीं वहीं। मर्म का विषय है, सोचने का विषय है, आकुलता फिर भी बनी रही, आकुलता बनी रही है।
क्या कारण जान नहीं पाया। लेकिन जानो जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर मुझको स्वभाव का भान नहीं, सुख नहीं भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है तुमको। अब वही की वही दृष्टि बनी इसलिए आप बोलता वही। थोड़े दिन कहूं चलिया ये सोच रहे हो तो बस कहा हो जाए ये तो बताओ। मानता जाती की तेजी है चित्त बदलने से कुछ काम हो जाए। अरे दृष्टि से बदली नहीं, विचार बदले नहीं, चित्त बदलने से काम कैसे हो जाए। थोड़े दिन कहूं चले हैं बड़ा, थोड़े दिन चले जाओ तुम, चले जाओ तुम। हमारा तो कुछ कर नहीं रहे, हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रहे, कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो। अरे तुम चले जाओगे देखो, सांस सुनते सुनते तो परिणाम नहीं बदल रहे, और सांस जहाँ सुनवे नहीं मिले वो तहाँ परिणाम बदल गए। अकल तो देखो, सोच तो देखो, इस गंदे सोच को क्या कहे हम। सांस सुनते सुनते तो परिणाम नहीं बदल, और सांस जहाँ सुनवे कबू नहीं मिले वो थोड़े दिन अपने खा पी लिए मनमानी कर लिए और ढीठ हो जाओ। परिणाम बदल गए सत समागम में तो परिणाम नहीं बिगड़ रहे, तो बदल रहे, और वहां परिणाम बदल जाए कुसंग में। बड़े संस्कार तुम्हारे हो गए पिताजी के जनका से बदलने क्या करेंगे। थोड़े दिन को कहूं चले आ भाव जी मन है चले आओ, क्या करे हो वहां जाकर के भी अगर अंदर का चिंतन नहीं करोगे, अपने मार नहीं मारोगे उनमें दोषों पर तो क्या हो, और दोष स्वीकार कर तो यही बहुत। वहां जाकर के भी पर का देखो तो वहां भी कुछ नहीं है, और वहां भी पाप लगेगा, और यहाँ भी अपना दोष देखोगे तो अपना सुधार होगा। मैंने सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे जो रोज की बातें हैं वही, एक रूटीन वर्क टाइम पूरा हो गया और बच्चा के बैठ के रोटी बना ली, वही काम कर लो और जो कर लो वो कर लो, झाड़ू लगा ली और सो भी। अगर दूसरा नेक बैठा दिख गया जे का बैठो इसे भी करना चाहिए, भले वो काम करके बैठा हो या जे का बैठो, पर दृष्टि छूटी छोड़कर देखो भाई। औषधि का प्रयोग नहीं करोगे तो निरोग तो नहीं होगे। औषधि की प्रशंसा करे वैद्य बहुत योग्य है, औषधि बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रयोग नहीं करेगा तो कैसे होगा बता। प्रायोग लब्धि बिना कहीं सम्यक दर्शन होगा, और प्रायोग लब्धि किसका नाम है, अंतर के प्रयोग का नाम ही प्रायोग लब्धि है, समझ गए। जो देशना उपदेश सुना है हमने समझा है उसका अंतर में प्रयोग करना सीखो। कहे तुम्हें यही सुनी थी शास्त्र, अब हम तुमसे नहीं कहेंगे, तुम अपने सिखाओ। पंडित जी कहते भैया हम तुम्हें झूठा दोष नहीं लगा रहे, अगर तुम्हें ऐसा हो दोष हो तो दूर कर, नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर बोलो क्यों लगे रहो। अगर तुम्हें ऐसा दोष नहीं है तो बुरा क्यों लग रहा है, और फिर दोष होना माने मन से ही तोड़ेंगे, वचन से काय से कृत से कार्य से अनुमोदना से। अंतर उज्जवल करना रे भाई, अंतर उज्जवल करना रे।
अंतर से अगर कपड़ा उज्जवल नहीं होगा तो रंग कैसे आ, केसरिया रंग कैसे चढ़ेगा उसमें? शब्द बदलेंगे बात तो वही होगी, उपदेश इतना ही है और कुछ नहीं। आत्मा मानो तो भगवान है और नहीं मानो तो भगवान है, लेकिन स्वभाव से भगवान है, स्वभाव के समीप जाकर के मानना, ब्रह्मत पालें। पद का है हमारे बहुत ऊंची है, हम फलाने। अरे कहाँ पद है तुम्हारा? अभी तो श्रावक हो तुम वैसे ही, अब मुफ्त में हट रहे तो हेटो। और वृक्ष पर फल आते हैं तो वृक्ष नमता है, अगर तुम्हारा पद चलो ऊंचा हो गया तो इसका मतलब तुम्हें बिना बढ़ या नहीं, क्षमा बढ़ जाना चाहिए। लौकिक में भी एक भूल तारती रहती जिंदगी भर, परेशान करती रही, ऐसे लोग अपने काम में आ जाते। लड़का बहुत धर्मात्मा है, वो अच्छो धर्मात्मा, आदमी नहीं खास क्रोध करता है ये नहीं, मन करता है ये नहीं, लड़का बहुत धर्मात्मा, लड़की बहुत धर्मात्मा, वो दो घंटा पूजा करते, दो घंटे पूजा करे ताकि कहा हो। हम पूछे तुमने धर्म मन कैसे दिया? आज भी तुम्हारी मानता वही की वही है। ना पोगे ऐसे ही दो घंटा पूजा करते तत्वा सूर्य याद है, रट रहो तुमने खेलो तुम हो तत्वा सूर्य याद हो तस कहा हो। लेकिन तुमसे पूछे तो तुम यही कहोगे लड़की धर्मात्मा। क्या वो अहंकार से कर रहे हो, चाहे असुद हो चाहे शुद्ध हो चाहे कुछ जो कुछ भी हो, मंदिर में बैठ करके विकता करती हो, दुश्चिंतन करते हो, लेकिन दो घंटा मंदिर में रह। भील रोज ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ पर, शिखर जी पर, तो बंदना तो हल तो मिलते है। अरे आज इनका है हम खा हो, ये सब पुतगल की क्रिया है, तुम्हारी नहीं है। पर दर्श झूठी छोड़कर कौन क्या कर रहा है अपना काम, अब इसको भाषा बदल दी अपने भाई, अपना काम ईमानदारी से करो, दूसरे काम में हस्तक्षेप मत कर, का करना है। और अधिकारी कौन होगा? वो अपने टोकेगा, बताएगा, करेगा, धरेगा, तुम्हें क्या मतलब है? इतना धीरा छोड़ो तो सही। सब आसन किसे कहते हैं? सब आसन शरीर को ढीला छोड़ दो, क्या मतलब है? मूल में अध्यात्म में शरीर को ढीला छोड़ दो, माने शरीर को शरीर मानो, आत्मा मत मानो। अब ये बताओ, सारे आसनों में थकान होती है और सब आसन में थकान मिटती है, ढीला छोड़ दो उसको, उससे थकान मिट जाएगी, तो टेंशन खत्म। केवल शरीर को ढीला करने की बात नहीं है, सबको ढीला छोड़ो। ढीले तब वो पतंग ऊपर चढ़ेगी, बिना ढीले पतंग हमने नहीं उड़ाई है। कहने का मतलब ढील नहीं जाओगे तब तक पतंग ऊपर कैसे चढ़ेगी? बस तनी छाड़ी है, तुम्हारी परिणति ऊपर कैसे छोए? जब तक तुम ढीला नहीं छोड़ोगे तुम्हारी परिणति ऊपर कैसे चलेगी? और ढील जैसे ऊपर चढ़ जा, ढील जैसे ऊपर चढ़ जा।
कौन क्या कर रहा है हमें क्या मतलब है। जिसकी नजर पर के ऊपर है वह पापी है। समय तुम्हारे बिल्कुल स्थूल भाषा में देखो अपनी दृष्टि अपनी ओर, मिथ्यात्मा ने अपनी दृष्टि दूसरों की ओर। अब करें क्या, सुन लोगे और बस खत्म, जा गीता और फिर वही चलेगी अपनी। भाई अध्यापक क्या करे, 24 घंटे का तो है नहीं, 23 घंटे तुम्हारे संग रहेंगे, अब एक वैसे सलाहकार मिल जाएंगे, उनसे पढ़ जाएगी, सहज हो जाओगे उनसे, उनकी बात इनको सुहाती है, इनकी बात उनको सुहाती है। विसंगमति लिखा शास्त्र, उनकी बात इनको सुहा रही, इनकी बात उनको सुहा रही। अनादिकाल का मिथ्यात्व, अनादिकाल का वो एक भाव में अभाव करना है, भाई पुरुषार्थ करो। पहले नंबर पर विश्वास लाओ, ये मोह हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए मिट सकता है, और नहीं मिटा तो वे गुरु हमारे निर्मोही क्यों है, भगवान हमारे निर्मोही क्यों है। लेकिन मिटता तो है अंतर्दृष्टि से, बहिर्दृष्टि से नहीं। बहिर्दृष्टि से मिटता नहीं है, धीर थोड़ा मंद हो गया, इतना मंद हो गया, और आपको मालूम है मंद बुखार टीबी का कारण बनता है। मंद रोग को निरोगता मानने वाला कभी निरोगता नहीं होता। ऐसे राग थोड़ा सा मंद एक विषय में हो गया और उसमें बस अपने को धर्मात्मा मान लिया और बस खत्म मामला, गई जिंदगी बर्बाद। वे सोचते हैं कुछ भला होगा, ये सोचता है चेत और बने। धर्म स्वपरिचित साधना है, व्यक्तिगत साधना है, सामूहिक कार्यक्रम नहीं है। आज भक्ति कर ले, भक्ति है ही नहीं, कर कहां से लोगे तुम। आपको कहा था भेद ज्ञान पूर्वक होने वाला सतत बरतने वाला भेद बहुमान, ये व्यवहार भक्ति है। क्यों बहुमान राग है ना, अभी भेद ज्ञान पूर्वक सतत बरतने वाला बहुमान ये भक्ति है। इसलिए झूठी ज्यादा कम की बात बाद में कहिए, लेकिन पंडित जी ने पहले क्या कहा, सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। अज्ञानी की ज्यादा होने पर भी झूठी है उसकी, अज्ञानी की, ज्ञानी की कम आए ज्यादा आए वैसे कोई मतलब नहीं, कभी कम आती कभी ज्यादा आती, लेकिन सच्ची भक्ति है उसको। अंतर के भगवान को नहीं पहचाना तूने, परदृश्य झूठी छोड़कर निर्दृश्य तू करे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना चाहिए, और सूक्ष्म होते चले आओ, सूक्ष्म होते चले आओ। अब हम पर संयोग की ओर देखते हैं, फिर संयोगी भाव को उसमें पर। ये राग कैसे मिटेगा, राग कैसे मिटेगा, ये चिंता में पड़े हो तुम। अरे राग तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, सहज मिटेगा, कैसे मिटेगा जो पूछते हो हमसे। सहज तत्व को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा राग आदि भाव सहज मिट जाएगा, और सहज तत्व को स्वीकार नहीं करोगे तो कभी नहीं मिट पाएगा। हम क्या करेंगे, वेद ज्ञान का अभ्यास करोगे तब ये मिटेगा, तत्व विचार करोगे तो ये मिटेगा, मिटाने लायक हो समझोगे तो मिटेगा,
तुम तो ये समझे हो इससे हमारी प्रतिष्ठा है। वो कथा वाला समझे, सुना है तुमने असली घासी नकली घासी, उसको ये लगता है थोड़ी बहुत जरूरी है और नहीं तो कौन पूछेगा। अब तुमने जरूरी मान लिया जिसको, वो कैसे समझे, कैसे छूटेगा बोलो। इज्जत बनी रहती है। अरे इज्जत होती है अपने योग्यता से, अपने गुणों से। खांसने से नहीं इज्जत हो जाए आजकल। तुम्हें खांसी खांस ले चलो, खांस खोस के भीतर जाओ, लेकिन आसक्ति अगर खाने पीने में ज्यादा है तो कहा इज्जत होगी तुम्हारी। तुम्हारी आसक्ति अगर ज्यादा है खाने पीने की तो बता तुम्हारी इज्जत होगी। तुम्हारी चेष्टाएं विपरीत होंगी तो इज्जत होगी तुम्हारी कि बेइज्जती होगी। हिंसा की परिणाम, झूठ की परिणाम, चोरी की परिणाम, खुशी के परिणाम, बता इज्जत होगी तुम्हारी। मुन्नाज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण रख लीजिए। नए नए शत्रु मत बनाते रहना, अंत में अकेले खड़े रह जाओगे। और तो भी ये नहीं लगता कि हमारी गलती है, कछु हमारा क्रोध ठीक नहीं है, तरीका ये हमारी विधि सही नहीं है, बेकार है। तीर्थंकर छोड़ गए और तुम्हें ऐसा लगता है कि जिनमें कछु हो वो प्रत्यक्ष तुम देख रहे हो। जो बाहर हैं वे तो मचल रहे आने के लिए, और जो जाए के लिए मचल रहे, मजबूरी में अटके हैं। अब कल्याण कहां से होगा, मजबूरी में अटके नहीं थे। नहीं 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 झूठ क्यों बोलते हो, कैसे आ पाए, कैसे आ पाए, कैसे आ पाए, कैसे निकल पाए, और ये इनको ये लग रहा है कैसे जा पाए, कैसे छूटे यहां से, जब जेल हो रही हो। सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने। सम्यक दृष्टि विषयों को सेवता हुआ भी नहीं सेवता है, उसका वहां मन नहीं लगता। मिथ्या दृष्टि का मन धर्म कार्यों में नहीं लगता, वो करते हुए दिखाई दे रहा है, कर नहीं था। तुम हमें छोड़ दो, छोड़ दे अब आप कुआं में गिरोगे और कुछ नहीं हो, छोड़ कैसे दे। हे भगवान असंतोष की जड़ बढ़िए, अब तुम घर रहे वो पसंद नहीं करे, जा घर से छूट हुए के लिए कुआ में गिर भी जा रही थी, अब वो घर में रहे वो पसंद कर रहे हैं, छूटने के लिए छटपटा रहा। ये छल कौन से करोगे, फल तुम्हारे परिणाम का लगेगा, अभिप्राय का लगेगा कि फल क्रिया का लगेगा। दृष्टांत याद है तुम्हें, देखो भाई थाली में तुम्हारी लड्डू रखे हो और मुंह में मेरे के हो तो स्वाद काय का आएगा।
निजी गाय। तुम्हारे भीतर परिणाम कुछ और चल रहे ऊपर से यहां बैठे। अब क्या करें, कहां जाएं? मैंने व्यवस्थाओं के गुलाम हो गए। ये नहीं जानते कि व्यवस्थाएं कर्म के उदय अनुसार बनती हैं, छोटी बड़ी जैसी बनेंगी, सब जगह बनेंगी। क्या करोगे, सोच आज के रह गए मजबूरी में। टोटा मजी लिखा मूल होकर भविष्य मानता है। भवितव्य का ज्ञान भी तुम्हें स्वभाव के आश्रय से होगा। बिना स्वभाव के ज्ञान के आश्रय के भवितव्य का ज्ञान कैसे हो जाए? तुम क्या जानो भवितव्य किसे कहते? भवितव्य पुरुषार्थ सापेक्ष होता है। तुम उसमें से प्रमाद कैसे निकालती हो? गागा करके सुनाओगे दुनिया को, भगवान को, मने जहां तक उनकी सेवा करके मन हर्षावे और बने जहां तक उनसे बचकर। बस नेक बच जाए, नेक बच जाए। हर वक्त बचने की कोशिश करते रहते। अज्ञानी बने रहो, हम जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ये जान तो जे सही है, इसके लिए तुम ज्ञानी हो गए। ये नहीं जानते कि आज्ञा लेकर के कार्य किया जाता है। ये जान गए कि चलते है, कोई बात नहीं, कछु नहीं कही, कछु नहीं कहते, बताओ ठीक है, कोई बात नहीं। ये जान गए, कहां से जानेंगे, कैसे जानेंगे? भैया आगम का अभ्यास तो देखो, पढ़ो। अपनी कल्पना को सत्यार्थ माने। देखो दिन वचन सत्यार्थ भाषित होंगे तो अपनी मान्यता झूठी भाषित होगी, और अपनी मान्यता जब तक सच्ची भाषित होती रहेगी तब तक जिन वचन विश्वास नहीं आएगा, सम्यक तो नहीं हुआ। तुम्हारी मान्यता में ये लग रहा है मोबाइल बढ़ जाती है। अब जिन वचन तुम्हें कैसे लगेंगे? आत्मदृष्टि देखो ही तब समझ में आएगा मोबाइल बढ़िया चाहिए कि घटिया चाहिए। कितना समय बर्बाद होता है इस मोबाइल के चक्कर में, कितने रोग ग्रसित होते, अस्पताल भरे हैं, कितना उपयोग चंचल होता है। हेलो कहाँ पहुंच गए? अरे पहुंचे रहे भाई। हेलो कहाँ पहुंच रहे? एक को इनको इनको कमरे से बुलाना हो तो मोबाइल चलेगा। जाए कौन? सारा शारीरिक व्यायाम व्यस्त हो, खराब हो गया, सामने की बोलचाल खत्म हो गई, उपयोग चंचल हो गया, मोबाइल चाहिए। तुम्हारी हित पर दृष्टि नहीं है, तुम्हारी दृष्टि बाहर है, इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है। जिसका फल अच्छा हो उसे हम अच्छा कहेंगे, जिसका फल अच्छा नहीं हो उसका फल अच्छा कैसे कहेंगे? उसका रेल देखो, दीर्घम परिणाम देखो, उस दिन वो बच्ची कह रही है साहब जी प्रवचन खूब दुनिया में प्रसार हो रही थी, मोबाइल कंप्यूटर का जो होता क्या है, अगर ये नहीं कहे हो तो क्या होंगे? बात तो सही है, हम क्या कहे? उसी चक्कर में दुनिया में प्रचार कर रहे हो तुम, अपने को भूले बैठे हो और मन बैठे हम धर्मात्मा। हम तो आपसे कहते हैं उनके पास कौन से साधन थे, मुनीश्वर के पास
कहाँ का द्रव्य चेत काल भाव क्या था थे, का थे का नहीं थे, एक धुन लग गई अपने। बाहर था मैं साधन ढूंढने की व्यग्रता से जी व्यर्थ पराधीन और ये तो बहुत अच्छो है, अच्छो नहीं है, ये मजबूरी है। ठीक है, राग नहीं टूटा उतना, मजबूरी को मजबूरी तो मानो, अच्छो तो मत मानो। अरे एक मुंडराज जी का हमने आपको दर्शन दिया था, एक मुंडराज जी का हमारा मैं चश्मा लगा ले और स्वाध्याय वगैरह ढंग से हो जाए सुधन। बोले भैया जो देखना है वो चश्मे से दिखता नहीं है और जो चश्मा से दिखता है वो देखने लायक नहीं, खत्म हो गया अपन ध्यान कर रहे। ऐसे पलता है निर्दोष। अब संशोधन हो जाए टक रहे हैं नहीं और जिस स्वाध्याय खूब करेंगे, इतना दिमाग चलता है इन्हीं का मन में लगे रहेंगे तो स्वाध्याय का करेंगे। स्वाध्याय हमने शास्त्र पढ़ने को मान लिया, शास्त्र में लिखा होगा भैया वर्ती करना चाहिए और भैया वर्ती करेंगे नहीं, और शास्त्र पढ़ते रहे रोज भैया वर्ती करना चाहिए, भैया वर्ती करना चाहिए, तोता बन जाओगे, तोता रटन करोगे। तो शास्त्र में लिखा होगा क्षमा करना चाहिए और क्षमा करोगे नहीं, क्या गांठ बांध बैठी रहे हो, क्या हो वो शास्त्र का आदर है कि अनादर है। शास्त्र में कहा हुआ कोई उपाधि रूप वस्तु उसमें रमते हैं कि शास्त्र में रमते हैं, बड़ो अच्छो लगा तो कब तक अच्छो लगे वो, फिर दर्द नहीं करने लगे ज्यादा। इसलिए हम आपसे कहते भैया किताबी कीड़ा बनोगे तो किताब में कीड़ा नहीं बन जाओ, तो ऐसी बात कर रहे हैं आप हमसे। अरे इसलिए कह रहे हैं किताब में जो लिखा है उसका आचरण करना भी तो सीखो, कुछ शोधन कर रहा है वह जो कुछ सेवा कर रहा है भैया वृत्ति कर रहा है, स्वाध्याय तो है ये, इतना पक्ष ग्रहण कर लिया हमने चलता ही नहीं आगे, सोच ही नहीं चलता। एक ने बढ़ लिया चर्या स्वाध्याय और अपने मान ली अपने देह की क्रिया को चर्या मान लिया, हम क्या करें। और एक ने स्वाध्याय के नाम पर पढ़ाई 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 पक्ष पकड़ लिया, चर्चा के बिना चर्या नहीं होती, चर्या के बिना चर्चा सार्थक नहीं होती। सच बोलना चाहिए और हमेशा झूठ बोलो, नेक नेक बात पर झूठ बोल दे तो कौन को बोलना चाहिए ये बता। हम शास्त्र पढ़ रहे, शास्त्र पढ़ रहे तो बोझ में यही लिखा होगा एक दब दूसरे बिगा करता नहीं है, और तुम पर को करना चाहते हो, तुम्हारा अभिप्राय क्या करो। इसलिए वर्षों शास्त्र पढ़ते पढ़ते हो गए, यह अन्याय है। चार में सौ धर्म में लिखा है, इतने वर्ष शास्त्र पढ़ते हो गए, 50 वर्ष उसमें लिखा तो भी शास्त्र का मर्म समझ में नहीं आया, ये सब अन्याय के धन और अनिति का फल है। इस स्थूल मत ले लेना, सूक्ष्म में विचार करना, हम का न्याय करते तो तुम न्याय कर रहे हो, तुम गुरु को गुरु नहीं समझते न्याय करते हो, साधर्मी को साधर्मी नहीं समझते न्याय कर रहे हो तुम। शास्त्र को शास्त्र नहीं समझ रहे, किताबें समझ रहे, पढ़ रहे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, चल सम ज्ञान को ज्ञान समझते हुए न्याय है। फिर सब करेंगे न्यारे होकर शामिल में रह करके आधा से नेक इतना ज्यादा आ जाएगा तो मर जाएंगे, टाइम हो गया
फिर प्रेम करो, अब सब करेंगे। अरे तुम भूखे तो रहे हो नहीं भाई, दुकानों करोगे फिर तुम, फिर ब्याह करोगे, फिर पढ़ोगे, अब एक गिलास पानी नहीं ला सकते, उसके लिए तो लड़ने लगेंगे और एक बाजू पानी भरेंगे। याद है दृष्टान तुम्हें, हसी मजाक की बात नहीं है। दृष्टि में तुम्हें एक बाल्टी भरोगे तब एक गिलास मिले हो कि वैसे मिले हो, ताकि मर रहे। एक प्रौढ़ महिला आई और महाराज से बोली, महाराज बता अब्बा को इशारो तो समझिए, बाल बच्चा नहीं। तो महाराज बोले, काय को बढ़ाते में गौमूत्र मलमूत्र धोने के लिए तरस रही है, अपना कल्याण नहीं किया जाता, ये कौन की? साधर्मियों को अपना नहीं समझ सकती। बोलो तुम्हें क्या करने? हमारे कॉलेज के मैनेजर थे वो, उनके लड़का नहीं था, अब उनके घर से दुखी होती थी और वे अपने आनंद में रहते। जब ज्यादा दुखी हो तो वे कह देते कभी कभी स्कूल में जाके बैठ जाओ करने। और तुम्हें क्या करना है बोलो? लेके पहुंच जा केला बांटो, वे तो चढ़ बैठे हैं तुम्हारे ऊपर। हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, तो तुमसे कोई को मतलब नहीं हुआ। या एक वैरी आ गया, देखो जी साहब अपने ही बच्चे तो हैं, किसी के किसके हैं? अरे तुम्हें अपने घर की चिंता है, उन्हें अपने गांव की चिंता है, और उनको अपने जिला की चिंता है, उनको अपने प्रदेश की चिंता है, उनको सारे देश की चिंता है। तो बन बैठे अपने उधर ही ऊंचा उठ रहा गया। गड्ढे में पानी होगा तो सड़ेगा और बहेगा तो निर्मल रहेगा, गड्ढे में क्या को सड़ा रहे? बुढ़ापे में को पूछे, अरे तुम्हारा बुढ़ापा है कोई नहीं, बोलो बोलो क्या करोगे? गारंटी है बुढ़ापो आएगा तुम्हारो, अब समय बदल गया। पहले कोई महिलाएं विधवा वगैरह हो जाती तो पाठशाला वाठशाला में लग जाती। हमने देखा एक मंदिर में रहती थी भाई, वहां बहन तो मंदिर में रहे और बच्चों को पढ़ाए। अब बच्चे चाची बोले आए, चाची फरमान ले आए, चाची फरमान ले आए, चाची एक हो गए थे सब सब, और मैं को बीमार कार्ड बनवा रहा था, हम बैठी बुला जा रहे, बड़े आनंद से समाधि हुई। अब तुम्हें कुछ करना तो चाहो नहीं, कुल कुल करोगे। सोचो व्यवहार भी नहीं आता, क्यों नहीं आता? परमार्थ दृष्टि नहीं तुम्हारी। अपने बारे में कभी मत सोचो और अपने बारे में ही सोचते रहो। हाँ, जिसे तुमने अपना मान लिया जे को करे हो, अरे शरीर को चलना सही, फिर रोटी को दे जी मत सोचो, रोटी को दे कितना ही कठोर परिणामी तो भी हो तुम सफाई कर जाओ। चाचा ने देखा वो भैया रोटी तो खा ले, चलो घर खा ली, खाया कसाय छोड़ी गए। अरे साहब निमंत्रण नहीं करो कल से, और हम नहीं आएंगे, हम कब भिकमंगा है? तो तुमको भगवान हो भिकमंगा क्या कर रहे हो? अंदर में क्या पड़ी है और ऊपर से बोल नहीं सकते, ये भिकमंगा बना नहीं है तो क्या है?
तुम अपने आनंद से पूजा करो, आनंद से स्वाध्याय करो। होली साधर्मी साधर्मी का उपकार करते हो, कराते हैं। कराने में कोई चिंता नहीं और करने में अभिमान नहीं। भंड के नाम पर चंदा काक बना दो, भंड के नाम पर चंदा क्यों करना चाहते? पैसा ही काटे काटे हो गए यात्रा करने। अरे यात्रा क्यों करना है तुम्हें? ये यात्रा में कौन मिलेगा? अरे अपने आप कह दिए हैं भाई पंडित जी, तुम चलो, अब चले जाइए। ये उनका काम है, तुम्हारा काम? पर दृष्टि झूठी छोड़कर बहुत गंभीर भाव है। हमने किसको पारदर्शी मान लिया? हम जो सोचा है छोड़े बैठे, हम तो पारदर्शी। टांगे पर छह छह सात आठ दस दस सवारी चलती थी। एक दिन कोई सवारी एक मिली तो चल दी। अब वो घोड़ा को जो लग रही है कछु है ही नहीं भोजन जाना, उसको साथ साथ सवारी धोने की आदत बढ़ गई तो ये घोड़ा को जय लग रही है सवारी यही नहीं कही मुझे नहीं नहीं कर उठ चलो यारो अपने आप। ऐसी आदत पड़ गई हमारी तर्क के बारे में सोचने की, अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। ज्यादा ज्यादा जी कहें भैया कछुआ अपने लेव कर ले माने दान पुण्य। अरे अपने लिए अपना ज्ञान है कि अपना अनुभव है, भेद ज्ञान है कि क्या है अपने लिए? हम तुमसे कहें अपने लिए तो कर ही रहे, और कौन ही कर रहे? माने ये लगता है हम अपने लिए कर रहे, ये अपने लिए है। अरे उन मुनीश्वर से पूछो भरते स्वयं में है, रानियों ने भरत को आहार दिया और भरत ने महाराज को आहार दिया और महाराज ने सही को आहार दिया और अपने तृप्त हो गए। लोक में कितने चालाक और होशियार बन जाते हो तुम। हमने तुमसे कही, तुमने इंद्र कह के निश्चिंत हो गए। हमने कल पूछी तो कही इंद्र कह दी थी हमने, जबकि नहीं होना चाहिए। देख भी तो लेना चाहिए कि गए कि नहीं गए, करो कि नहीं करो, भाव काम कि नहीं भाव। हमें को मतलब हमने इनसे कह दी, हमने इनसे कह दी बस वो उसे ट्रांसफर हो गया भाई। जमाना बदल गया लेकिन वस्तु स्वभाव तो नहीं बदलेगा। बड़ो ठेका ले लो फिर छोटी टूटी ठेका दे रहे भाई, माने बड़ो ठेका लाओ और बहुत छोटी छोटी ठेकाओ दूसरे को दे। अरे भाई नैतिक जिम्मेदारी समझो, हमने तुमसे कही तो कुछ सोच करके कहा होगा। तुम्हें ये अधिकार किसने दे दिया तुम इनसे कह दो? झूठी छोड़कर बहुत व्यापक अर्थ सोचना चाहिए। इतना हल्का नहीं पढ़ के बस हो गए खत्म मामला हो गए पार हो गए। जब तक गहरे नहीं घुसोगे समुद्र में तब तक रत्न नहीं मिलेंगे। ऊपर ऊपर से देखोगे तो भाई सीप और घुमचू कौड़ी संघ नहीं मिल पाएंगे ज्यादा ज्यादा। जब भीतर जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी में, इन भेदों को जानकर जो गहरा उतर जाता है, मुनराज ने क्या लिखा, जो गहरा उतर जाता है। बराबर खोजते रहो, बराबर खोजते रहो, जब तक तुम्हें अब निर्दोष स्वरूप तक न पहुंच जाओ। जब तक तुम्हें अपना दोष न दिखाई दे तब तक बराबर सोते हो।
सुनने की पात्रता। आज तक हम अपना सुख से वंचित क्यों रहे, अपने भीतर नहीं देखा, हमारी पात्रता का अभाव है। भगवंतों ने, सारे भगवंतों ने सारा यही किया, भीतर देखो, और हम बाहर देखते। तब तक विचार करते रहो जब तक अपना ही दोष न दिखाई दे। हमें अपनी बात समझ में ही नहीं आ, समझ नहीं, बराबर प्रयास करते हो जब तक जो जिन वचन में कहा है वह समझ में न आ जाए। अगर कहीं जिन वचन में ये लिखा हो पर का दोष है तो बता दो। अरे निर्दोष स्वरूप तो है ही तुम्हारा, लेकिन अपना दोष स्वीकार करोगे तो निर्दोष परिणति भी योग बढ़ाओगे। उल्टी उल्टी विचार करते रहोगे, विचारधारा अलग चलती रहेगी तो नहीं काम बनेगा। जुड़ करके चलो, जुड़ करके अपनी परिणति को आगम से मिलाओ। अब वो परिणति बन जाने कौन सी मिला ली, हम के लिए पाल रहे क्या, हम शुद्ध भोजन कर रहे, हम पढ़ रहे, ये मिला रही। भैया अपनी परिणति को आगम से मिलाने का मतलब ये है, पहचान करना सीखो। अगर हमारे अंदर में क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, सत्य है, सोच है, संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन है, ब्रंथ है, अब नहीं है तो उनका मतलब नहीं करे। कहा था बस एक अंतिम बात है, कहा था कि नहीं, जो जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता है और जो जितनी जल्दी क्षमा कर सकता है वह उतना बड़ा धर्मात्मा हो सकता है। देर मत लगा, ये गंदगी हल्की हाथ साफ करो तो घर साफ रहेगा। अब कल हिसाब करेंगे, अलग से क्षमा नहीं पर्व मनाएंगे। अरे रोज आ जाया क्षमा मानी पर्व तक रखे रहोगे, क्या चलता रहेगा? जब तक क्षमा नहीं आएगी क्या चलता रहेगा? हाल की हाल साफ करो, हाल की हाल साफ करो, ये साधक का लक्षण है, ये साधक की साधना है, ये साधक का पुरुषार्थ है। तुम किसको व्यवहार मान बैठे हो? रखो हमारी परिणति किधर जा रही है, बस ड्राइविंग यही होती है, घुमाना जानता हो, इधर जा रही हो इधर फिर घुमा रही तो गड्ढा में नहीं गिर पाए हो। तुमने अपने मन का पाठ पढ़ लिया और मन की अपनी पोषण कर लिया तो तुम गड्ढा में नहीं गिर जाओगे। अरे तुम्हें जो अच्छा लगता है सो अच्छा है कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है सो अच्छा है? जी देखो, भाई तुमने कह लीजिए मीठो खट्टो चरपरो कसैलो ये अच्छो है और कसैलो कड़ू ये खराब है, वो अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती तुम्हें बीमार होकर के यही खानी पड़ेगी, तुम्हारी बीमारी यही मिटाएगी। तुम्हें किसी का टोंगना अच्छा नहीं लगता, किसी का अनुशासन अच्छा नहीं लगता, और जी तुम्हारे लिए कार्यकारी। विचारना
हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन या वाणी की ज्ञान तें